सैफई में इस बार मुलायम कुनबे की होली सूनी नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव समेत कुनबे के तमाम नेता यहां मौजूद रहे, पर सभी को नेताजी मुलायम सिंह यादव की कमी खल रही थी। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने सैफई मेला ग्राउंड में जनता का अभिवादन किया और परिवार के साथ जनता से मुलाकात कर एकजुटता का संदेश दिया, तो वहीं शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बार कुनबे ने नेताजी को समर्पित करते हुए होली न खेलने का फैसला लिया। शांतिपूर्वक चल रहे होली मिलन समारोह में लोगों को अखिलेश में नेताजी का रूप दिखाई दे रहा था। नेताजी की तरह अखिलेश ने समारोह की बागडोर संभाले रखी। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस होली में नेताजी की कमी खल रही है। नेताजी हमेशा सभी से मिलते थे, इस बार नेताजी के न रहने से होली नहीं खेली जाएगी। शिवपाल ने कहा कि वो इस बार लोगों से मिलेंगे और उन्हें याद करेंगे। वहीं इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि ये होली बिना रंगों की है। आदरणीय नेताजी के बिना सैफई की होली की कल्पना करना भी मुश्किल है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी पर पूज्य नेताजी का स्नेह, आशीर्वाद और विचारों की विधिवत रंग बरसते रहें। नेताजी हमारी संस्कृति, हमारी स्मृतियों में सदैव अमर रहें। इस दौरान उन्होंने नेताजी की समाधि पर उन्हें नमन करते हुए तस्वीरें भी शेयर की हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी नेताजी की समाधि की तस्वीरें शेयर करते हुए एक भावुक ट्वीट किया है, जिसमें सपा प्रमुख ने नेताजी को नमन करते हुए लिखा है, अब की इन फूलों के रंग कहाँ उतने गहरे लगते हैं, इस बार तो मेलों के झूले भी ठहरे ठहरे लगते हैं। देखिए, अब इलेक्शन तो 2024 को होगा, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और बस हमारा यही होगा कि नेताजी के आदर्शों पर चल करके निश्चित इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके और इस भारतीय जनता पार्टी को फूलों की होली शुरू की थी, क्योंकि कई बार लोगों के रंग से या वैसे आँख आँख में दिक्कत होती थी। जी जी, नेताजी ने ही शुरू की थी। अच्छा, नेताजी की जो होली है, फूलों से होली शुरू की गई, आज पूरे फूल पूरे सैफई में दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरह से आप आगे देख रहे हैं? उनके आशीर्वाद के साथ आगे ही बढ़ेंगे और उनका आशीर्वाद है अब तो, और ज़्यादा आशीर्वाद। प्रोफेसर, कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बोहरी, किस तरह का संदेश आएगा पूरे देश के लिए? अब वहाँ हमारा राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव आएगा, उसके बाद वो एक संदेश के रूप में होता है।